तरकारी नहीं बनाना, आराम करो। मैं नहीं कह सकती, नहीं आए हैं ईद के लिए। यहाँ पे बहुत ही मजेदार पैकेज आया है, मोस्ट फेवरेट मतलब मानी, तो क्यों ना इसको भी बना लिया जाए। खत्म तो नहीं हो गई, बर्तन वगैरह वॉश करने की टेंशन दूर हो चुकी है गाइस। नीर और मैं जो है वो एक गेम खेल रहे थे, गरम हॉट पॉट इज रेडी। ओह माय गॉड, मैंने भी उठा लिया है, मतलब इतना हल्का है। Hi everyone, assalamu alaikum, good morning and welcome back to my YouTube channel. So अभी मैं उठी हूँ और आज फिर मेरी इस आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है। आई डोंट नो क्यों रेड हो रही है और इस तरह से क्यों हो रहा है रिएक्शन। स्किन भी अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही है, बट खैर इट्स ओके। रात को इवेंट था, बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आते समेटते तिल हेटते सुबह हो गई थी और सच बताऊँ तो मेरे पैरों में इतना दर्द था, इंतहा से ज़्यादा, मतलब कांट इवन स्लीप प्रॉपर्ली गाइस। लेकिन खैर लाइफ गोज ऑन, सब ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। सो सीन कुछ ऐसा है आज का, आज मुझे सलून जाना था लेकिन हिम्मत नहीं हुई, आँख में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया प्लान सलून फॉर सर्विसेज एंड ऑल इस वजह से। लेकिन अब इस सारी जो हम लोग घर में करेंगे, मम्मा और भाई जो है वो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डिसाइड किया था कि हम खाना खिलाएंगे सबको। तो इस तरह से भाई जो है वो गया है और खाना वगैरह खिलाने, और बाकी मामा जो है वो सलून चले गई हैं, मैं और जरियूज एम वगैरह हम लोग घर पर हैं। तो लेट्स गेट रेडी सबसे पहले, तो फिर उसके बाद हम लोग इफ्तारी करेंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मज़े की बात ये है कि आज मम्मा ने कहा है इफ्तारी नहीं बनाना, बाहर से मंगवा लेना, आराम करो। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई, अब तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो बस इफ्तारी की टेबल लगाना वो काम है एंड दैट्स ऑल। हेलो गाइस, अगेन मेरा मेकअप, मेरी हेयर स्टाइलिंग की मेरी मोस्ट फेवरेट सलोन सके रुपये सलोन ने, मुझे बहुत पसंद आई है। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने भी किसी इवेंट के लिए आप लोग तैयार हो सकें सके रुपये सलोन से। सो जल्दी से जाइए, अपॉइंटमेंट लिखवाइए। बताऊँ आप लोग को गाइज, इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग है ना, मतलब मैं नहीं कह सकती। मेरे बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे पहनने के लिए, वो नहीं आए हैं ईद के लिए। साथ ही साथ मुझे ईद का शूट पहले से करवा के रखते हैं, बिकॉज ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हर कोई बिजी होता है, ऑब्वियसली ईद होती है यार। और अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि कल से मुझे हर हाल में शूट स्टार्ट करने हैं। सो लेट्स सी किस तरह मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती रहेंगी। लेकिन आप लोग को जो मैं एंटरटेन करती हूँ ना, पूरे रमज़ान जो मैंने आप लोग को एंटरटेन किया है ना, बस मान लो अपनी बहन को, मतलब जिस तरह मैंने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग को पसंद आई हैं, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी कंसिस्टेंट रहूं, जस्ट लाइक के रोज वीडियो अपलोड करूं। सो यस, सुपर बेस्ट। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार पैकेज आया है, मतलब इफ्तारी बनाने का समझे झंझट ही खत्म। ये रहा पैकेज और इसमें मेरे मोस्ट फेवरेट मतलब मानी, मेरे और रुज़ैम के मोस्ट फेवरेट डोनट्स हैं, साथ में क्रोसेंट सैंडविचेस हैं, तो ये बहुत मज़ेदार है। तो जल्दी से हम इसको रख देते हैं दस्तखान पे। यहाँ पे मैंने सोचा कि हमारे पास फ्रोजन पिज्जास हैं, तो क्यों ना इसको भी बना लिया जाए। रुज़ैम किस तरह खोला है बेदर्दी से, दिखाओ कितने करने हैं, फोर दिखाओ मानी, ये क्या है? और ये कल के केक का रह गया था, हाँ। कौन छोड़ के आया था? अरे वो उसके बॉक्स में लगा था, हमने निकाल लिया। इधर रखो, मेरे ख्याल से दो काफी हैं। हाँ, दो बहुत है। दो करने, हाथ से कटिंग करना, एक हाथ से ब्लॉग बनाना, और एक हाथ से ब्लॉग बनाना। यस, उसे मैं नहीं खुला यार, हेल्प करो उसमें, नहीं खुल रहा, कैंची से काटो जल्दी से और रखो जरा माइक्रोवेव में, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। इस खजूर खो गई है फ्रिज में भाई, खजूर नहीं मिलती। खत्म तो नहीं हो गई जैम, मुझे लगा था मैंने तो नहीं, तुम्हारी आँखें हैं क्या बटन, फिर किससे खोलेंगे रोजा? जूस से खजूर खानी चाहिए, ढूंढो खजूर लेके आओ ना बाजार से। 100 मिनट नहीं खुलने वाला है, बैठो जाके दुआ मांगो। Thank you.
गाइस इफ्तार वगैरह हम लोगों ने कर ली है और अब सफाई वगैरह करनी है, मतलब बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। जितना भी कह लो कि बर्तन आज कम होंगे, कम चीजें हैं, ये है वो है, बाहर की चीजें, लेकिन फिर भी बर्तन ना कहते हुए भी बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो जल्दी से वॉश करते हैं अब। वेल आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सारी सफाई मैंने कर ली है, बर्तन भी धो लिए हैं, साथ ही साथ पोछा भी मार लिया है। बस चीज़ें जो हैं खाने पीने की बच गई हैं, तो इसको भी एक साइड कर देते हैं। आई थिंक इसको उठा लेना चाहिए, खाने का दिल चाह रहा है। यम। फाइनली टेंशन दूर हो चुकी है गाइज, मेरा ईद का ड्रेस आ चुका है। ये रहा मेरा ईद का ड्रेस, साथ में एक और ड्रेस मैंने मंगवाई थी, क्योंकि दावत वगैरह होती है घर में तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना प्यारा सा लाइट सा। तो थैंक गॉड कि मेरा ईद का ड्रेस आ गया। अब बस मैंने जो सबके लिए शॉपिंग की है, जो मुझे सबको ईदियाँ देनी है, तो वो रह गया है। बस अल्लाह करे कि कल तक आ जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सो गाइस सारी चीज़ें वगैरह समेट ली थी, देन उसके बाद महीर और मैं जो है वो एक गेम खेल रहे थे। फिर उजैम जो है वो सो गया था, लेकिन अभी मेरे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी। एक तो पुलाव की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी, साथ ही साथ हॉटपॉट की हुई थी। अब मैंने सोचा कि क्या मंगवाया जाए, देन फिर मैंने कहा कि चलो हॉटपॉट मंगवा लेते हैं, क्योंकि पुलाव कोई लाने वाला नहीं था एक्चुअली। तो खैर मैंने ऑर्डर कर लिया है, बाकी मम्मा और भाई अब तक आए नहीं। पहले वो आ रहे थे जल्दी, लेकिन मैंने उनको एक काम कह दिया। वो काम ये था कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी टेरेस के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले व्लॉग्स में बता रही थी, मुझे यहाँ पे एक मिरर लगाना है, साथ में प्लांट्स लगाने हैं। तो बस उसी चीज़ का काम मैंने मम्मा को कह दिया था कि प्लीज़ पिकअप करती भी आ जाएँ, बिकॉज आज ही टाइम है, फिर हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर मम्मा ने कहा चलो बाहर घूमूँ तो पिकअप कर लेती हूँ। ये इतनी फ्रीज़ क्यों होंगी सारी चीज़ें। ये जो लड़की है ना, ये बहुत अच्छा हॉटपॉट भेजती है यार, सच बताऊँ बहुत मज़ेदार होता है। तो चलिए इसे हॉटपॉट बनाते हैं और वेट करते हैं मम्मा और भैया का, ताकि वो आए तो मैं सामान देख सकूँ। गरम हॉटपॉट इज रेडी गाइज, और जैसे ही हॉटपॉट मैं यहाँ ट्रे में लेके आई हूँ, वैसे ही मम्मा और भैया आ चुके हैं। लेकिन चलो खैर, जब तक ठंडा हो रहा है हम सामान वगैरह देख लेंगे या पहले खा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि मम्मा ने बुलाया था, और ये सारा सामान भी हमारा आ चुका है। नाइस। ये क्या है? ये इसके ऊपर बल्ब लगता है। ये क्या है? बल्ब लगता है। ओके, ये इतना सारा सामान भरा है अंदर। ओह माय गॉड, इसको भी निकालना, एक माहौल है। चलो निकालो भैया। ना मुझे पता उसका, आज हमने तुम्हारा यही काम किया है सारा। हाँ मैंने लोगों को बताया कि आप जल्दी घर आए थे, लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि जाके सामान खा लें, तो फिर आप नहीं। मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया, आज यही काम हो सका। मैं बहुत सर्विसेज नहीं ली तुमने कमल? हाँ सर्विसेज हो गई मेरी, मगर शॉपिंग कुछ भी नहीं करी मैंने अभी है। बहुत थकान हो गई थी, यहीं में इतनी देर लगी। चले खैर, एक काम तो हो गया। ऐसा रश था, तो जाहिर है सब शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। भैया की हो गई शॉपिंग? चलो भाई ले, चलो मैंने भी उठा लिया है, मतलब इतना हल्का है। मैं उठा सकता हूँ। अंधेरा देखो कैसे किया हुआ मैंने घर में। ले आए ले आए ले आए आशीषा, चना भैया इसको कहाँ रखेंगे? यहाँ पे मम्मा के लिए मैं बना रही हूँ हाफ फ्राई एग। लो, मुझे लगा ऑयल गरम हो गया। जो है मूवी चल रही है, खुराम हसन खान सैरी कर रहे हैं, महीर हसन खान भी सैरी कर रहे हैं, और उजैम भी सैरी कर रहे हैं। ओफ देसी फैमिली। तो गाइज ये बहुत ही प्यार से हमारा कॉर्नर तैयार हो चुका है, हमने बल्ब भी लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पीछे सुबह जो है वो हो चुकी है, और फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग में आप लोग से ज़्यादा बातें भी नहीं की हैं, और ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं की है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके मेरे रीसेंट ब्लॉग पे जो कमेंट्स आए वो पढ़ लिए जाए, क्योंकि इतने टाइम से मैंने वाली एक्टिविटी भी नहीं की, और ब्रांड लॉन्च हुआ है, तो क्यों ना आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं, और लोग भी खुश हो जाएं जिन्होंने कमेंट्स किए और मैंने पढ़े। तो जल्दी से कमेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आईपैड रख दिया है, सबसे पहला कॉमेंट किया है
दीना महर 6922 ने रेबिसेन मोमेंट वॉज फेवरेट द वे यू सपोर्ट ईच अदर इज अडोरेबल एंड क्यूट थैंक यू सो मच हेयर स्टाइल ड्रेस मेकअप एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट कश्माला ने कॉमेंट किया है थैंक यू कश्माला सादिया लस्सी 462 ने कॉमेंट किया गुड लक मौला गिव यू मोर सक्सेस यार ब्रो इज ट्रूली ग्रेट बस अभी एक न्यूज़ का वेट है व्हेन यू एंड हुसैन गिव अस सरप्राइज ओ गॉड व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स यू गाइस आर डूइंग गाइस खैर कांट वेट फॉर रबीसेन अपकमिंग सॉन्ग यस गाइस हमारा जो है वो गाना आ रहा है लेट मी फोकस अच्छा लोगों के ये वाले कमेंट्स में आए हैं कि वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग और हुसैन और मेरा सॉन्ग है एक दो दिन में उसका टीजर भी आ जाएगा और वो गाना सच बताऊँ तो बहुत मज़े का है जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे सो बस आई जस्ट कांट वेट टू शेयर द BTS वीडियो अ लॉट ऑफ क्यूट मेमोरीज सो यस स्टे ट्यून फॉर दैट लेकिन बहुत सारा प्यार दिखाना है अब आप सबके लिए स्पेशल सरप्राइज इसलिए था क्योंकि जब भी मेरे सॉन्ग्स आते थे आप लोग कहते थे कि हुसैन नहीं है हुसैन नहीं है बहुत सारे फैंस जो थे वो नाराज़ हो गए थे उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है हमें तो सिर्फ हुसैन को ही देखना है आपके साथ तो अब फाइनली हमारा साथ में सॉन्ग आ रहा है तो उस पर आप लोग को बहुत सारा प्यार दिखाएंगे मतलब आनी चाहिए रबीसेन की पावर तो बस मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं बस आप सबका प्यार देखना चाहती हूँ ब्रांड फातिमा ने कॉमेंट किया मॉइस्चराइजर ऑर्डर कर दिया है ड्राई स्किन का होप सो कि अच्छा हो प्राइस बहुत सही रखी है DC भी फ्री है ऐसे ही रखना ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके गाइज इसके पीछे भी मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ जब फेस वॉशेज वगैरह का मैंने सोचा था तो हम प्राइस पर डिस्कशन करी थी पूरी टीम तो हमने सोचा था कि हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे ताकि हर कोई ले सके वरना लोगों को ये शिकायत होती है कि बहुत एक्सपेंसिव है इतना एक्सपेंसिव क्यों है मतलब बहुत तरह तरह की बातें करते हैं और हेटर्स तो फिर छोड़ते ही नहीं है इनफैक्ट अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं वो लेकिन यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि जो यू नो हेट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए प्यार मैटर करता है सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हेटर्स भी ना बहुत अच्छे हैं इतना मुझे मोटिवेट करते हैं कि आज तक मैं जितना मोटिवेट हुई हूँ अपने हेटर्स से ज़्यादा हुई हूँ क्योंकि वो जो बोलते हैं ना फिर मेरे अंदर आँख आती है तो बड़ा मज़ा आता है खैर नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं सो प्राउड ऑफ यू गर्ल आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह एक्साइटेड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबके कॉन्ग्रेट्स के मैसेजेस आए हुए बहुत सारी दुआएं आई हुई हैं बहुत सारा प्यार आया हुआ है और हाँ लोग जो है वो मेरे हेयर स्टाइल पर भी काफ़ी बातें कर रहे हैं कि क्या सोच के हेयर स्टाइलिंग की थी तो भाई सच बताओ तो मैं इंस्पायर हुई थी रकुल प्रीत से साथ में मैं इंस्पायर हुई थी कृति सैनन से और मैं इंस्पायर हुई थी माधुरी से तो उनका हेयर स्टाइल मेरे जहन में कब से चल रहा था मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं भी करूं तो फिर इत्तेफाक से मैंने अपने ब्रांड लॉन्च में कर लिया खैर यही था आज का व्लॉग चल रहा कि लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत सारा प्यार बरसाओ मुलाकात होती रहेगी आप सबके साथ मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिलें सो यस आई लव यू ऑल कीप सपोर्टिंग थैंक यू फॉर सो मच लव टेक केयर अल्लाह हाफिज़